welcome back students today we will start our sixth chapter 2 institutional representation of democracy in last chapter in first chapter we have read about democracy yes you have to know about election first of all what do you mean by elections election in india take place every 5 years by universal adult franchise इलेक्शन जो है भारत में प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल में होते हैं बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स राइट टू वोट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एनी कास्ट एनी रिलीजन किसी भी जाति है किसी भी धर्म का उसको वोट देने का अधिकार प्रदान करता है दीज इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज एंड विल फॉर्म द गवर्नमेंट ये इलेक्शन जो हैं किस लिए हेल्ड किए जाते हैं आयोजित किए जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव दैट फॉर्म द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड एट द सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट किए जाते हैं जो हमारे गवर्नमेंट बनाते हैं वो तीन लेवल पर इलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर एंड लोकल लेवल पर सेंट्रल लेवल पर हमारे जो एम एंड स्टेट लेवल पर हमारे एम एंड लोकल लेवल पर जो हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं वी विल रीड फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू विल यू हैव टू नो अबाउट कॉन्स्टिट्युएंसी कॉन्स्टिट्युएंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र What do डू मीन by constituency? A constituency इज द एरिया from विच a representative फाइट द इलेक्शन एक निर्वाचन क्षेत्र वो एरिया होता है जहाँ से रिप्रजेंटेटिव जो हमारे जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्राम ईच कॉन्स्टिट्युएंसी लोग जो है प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में से अपना एक रिप्रजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं यस yes?

पीपल डायरेक्टली चूज करते हैं द पार्टी विद मेजोरिटी वोट्स बिकम द रूलिंग पार्टी जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है यानी कि जिन पार्टी को फिफ्टी परसेंट से जितनी सीट होती है उसे फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा जिनको वोटिंग मिलती है दिस पार्टी बिकेम द रूलिंग पार्टी और जो रूलिंग पार्टी होगी वो अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं एंड इट्स लीडर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर और इसके लीडर जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनता है ऑल द अदर एम पीज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी और दूसरी जो पार्टी होगी दिस इज़ नोन एज अपोजिशन पार्टी नेक्स्ट वन इज असेंबली इलेक्शन एट द स्टेट लेवल स्टेट लेवल पर जो हमारे एम एल एज के जो इलेक्शन होते हैं दिस इज़ नोन एज असेंबली इलेक्शन ये भी प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर जो इलेक्ट किए जाते हैं दिस इज नोन एज एम एल एज नेक्स्ट वन इज इलेक्शन टू लोकल बॉडीज एट द लोकल लेवल इन एक्शन इन्वॉल्व इलेक्शन टू लोकल बॉडीज सच एज पंचायत म्युनसिपल कमिटीज एंड म्युनसिपल कॉरपोरे वर्ड डू मीन बाई इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन क्या होता है द इलेक्शन कमीशन इज द अपेक्स बॉडी दैट कंडक्ट इलेक्शन जो कंडक्ट करता है इलेक्शंस को इट्स हेड इज कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर इसका जो मुख्य होता है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है एंड द वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन इंक्लूड्स क्या क्या कार्य करता है इलेक्शन कमिश्नर प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंसिंग द डेट्स फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन फीलिंग ऑफ नॉमिनेशन विदड्रॉल बाई कैंडिडेट एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड फाइनली डिक्लेयरिंग द रिजल्ट सारे काम इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किए जाते हैं लिस्ट से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन तक और भी जो उसके वर्क इंक्लूड होते हैं वो क्या इंक्लूड होते हैं उसके कार्य वेरीफाई करते हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट को नॉमिनेशन जो पेपर जो फिल किए जाते हैं अगर वो सब ओके होते हैं तब वो पास आउट कर देते हैं और आगे कैंडिडेट को उसका नॉमिनेशन हो जाता है उसमें नेक्स्ट वन इज़ एन इलेक्शन मैनिफेस्टो चुनावी जो घोषणा पत्र कंपेनिंग करते हैं जब उन्हें उनकी वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है ठीक है उन्हें इलेक्शन लड़ने होते हैं अपनी कंपेनिंग करते हैं अभियान चलाते हैं जो भी उन्हें कहना होता है अपने अभियान में कि हम आपके लिए ये करेंगे गवर्नमेंट आप हमें वोट देंगे तो हम ये सुविधाएँ आपको प्राप्त प्रदान करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड वोटर से रिलेटेड कुछ भी फिर जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है जो चुनावी घोषणा पत्र होता है वो एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है इश्यूड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इशू की जाती है पॉलिटिकल पार्टी से दैट लीज द पार्टीज पॉलिसीज एंड द दंट्री उसमें सभी पार्टीज़ की जो भी नीतियाँ प्रोग्राम है, होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कितने टाइप्स के पोलटिकल पार्टी सिस्टम होते हैं थ्री टाइप्स के नंबर वन सिंगल पार्टी सिस्टम टू पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम इन द सिंगल पार्टी सिस्टम ओनली वन पोलिटिकल इज लीगली अलाउड टू होल्ड इफेक्टिव पावर केवल एक ही पार्टी होती है उसमें चाइना एंड सीरिया हैव अ सिंगल पार्टी सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड सीरिया एंड टू पार्टी सिस्टम वेयर ओनली टू पोलिटिकल पार्टीज डोमिनेट इन द यूनाइट स्टेट रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया इज़ द एग्जाम्पल मल्टी पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम कौन सी पार्टी होती है विच हैव मोर देन टू पोलिटिकल पार्टीज ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूके ओके पाकिस्तान इंडिया ऑलसो है मल्टीकल पार्टी का सिस्टम यहाँ पर इलेक्शन जो है डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज के बीच में होते नेक्स्ट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे इंडिया में है आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड है इंडियन पोलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज यू कैन सी ये हैंड का जो है निशान इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके लोटस का जो है बहुजन भारतीय जनता पार्टी सॉरी यस दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टी नाउ वट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज स्टेट पार्टीज इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टीज आर पोलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया एंड रिकोगनाइज इन फोर और मोर स्टेट जो चार या चार से ज़्यादा स्टेट में रिकोगनाइज है दिस इज नोन एज नेशनल पार्टीज फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने अभी आपको बतन, उसका लोगों भी दिखाया था एंड भारतीय जनता पार्टी स्टेट पार्टीज इज ऑल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज दोज पार्टीज विच आर रेकनाइज इन लेस देन फोर स्टेट जो चार स्टेट से कम में है फॉर एग्जाम्पल अकाली दल इन पंजाब तेलगुदेशम इन आंध्र प्रदेश नेक्स्ट वन इज कॉल्यूशन मिली जुली सरकार जो गठबंधन कोलिशन गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है जब कोई भी पार्टी को विनिंग पार्टी नहीं होती किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है अ कोलिशन गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर व्हेन देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ फाइट बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो है फ़ाइट करती हैं बट नो वन पार्टी इज एबल टू अचीव अ मेजोरिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती और ना ही उन्हें फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा वोट मिलते हैं इन दिस सिचुएशन कौन सी पार्टी बनती है कोलिशन गवर्नमेंट मिलीजुली जो सरकार होती है गवर्नमेंट इज अ गवर्निंग बॉडी फॉर्म बाई मल्टीपल पार्टीज दैट मस्ट कॉम्प्राइज ऑन प्रिंसिपल जो अपने सिद्धांत पर आधारित होती है एक दूसरे से मिल के सहयोग से मिली जुली जो सरकार गठबंधन से सरकार बनाते हैं दिस इज नोन एज कोलिशियन गवर्नमेंट थैंक यू